हेलो एवरीवन, गाजर का हलवा बनाने के लिए 1 किलो गाजर, 1 किलो दूध, 1 बड़ा चम्मच घी का और 1 बड़ा चम्मच मलाई का मैंने लिया है। गाजर को सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे, फिर उसे चाकू से उसके रेशे जो होते हैं उसको चाकू से छील के हटाएंगे, फिर धोएंगे और फिर कद्दूकस करेंगे जिससे कि उसमें ज़रा भी किसकन वगैरह या मिट्टी वगैरह ना लगी हो। गाजर को हमेशा मीडियम साइज़ की गाजर लेना चाहिए, ज़्यादा मोटी गाजर नहीं लेना चाहिए। अब मैं ये लोहे की कढ़ाई लूँगी, इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। गाजर के हलवे के लिए लोहे की कढ़ाई ली है, इसमें आयरन वगैरह भी मिल जाता है। एल्युमिनियम की और नॉन स्टिक कढ़ाई आजकल लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब इसको गरम करेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी, शुद्ध घी डालेंगे और गाजर इसमें सेकेंगे। अब इसमें गाजर डाल देंगे, गाजर डालने के बाद इसको अच्छे से सेक लेंगे। जब तक अपनी गाजर सिकेगी तब तक दूसरे बर्नर पर दूध उबलने रख देंगे जिससे वो थोड़ा बहुत गाढ़ा हो जाएगा और टाइम थोड़ा बचेगा। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे जिससे कि ये अच्छे से थोड़ा सिक जाए और घी चारों तरफ इसके फैल जाए। उसके बाद ही इसमें दूध डालेंगे। कम से कम 2 या 3 मिनट तक इसको आराम से कम आंच पर सेकेंगे, नहीं तो ये जल भी सकता है, इसलिए इसको कम आंच पर धीरे धीरे सेकेंगे। घी डालने से इसमें अच्छा मॉइस्चराइज अच्छे हो जाता है और गाजर का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब इसमें 1 किलो दूध डालेंगे। दूध उबला हुआ है इसलिए आसानी से इसमें गर्म हो जाएगा। दूध उबाल कर ही इसमें ऐड करना चाहिए। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच मलाई का डालेंगे और इसको तेज आंच पर चलाएंगे जब तक कि दूध पतला है। जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा अब इसे गैस को कम कर देंगे और इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे। अब इसमें शक्कर ऐड करेंगे। 1 किलो गाजर में 100 ग्राम शक्कर ऐड कर सकते हैं और 1 किलो दूध है तो उसका 200 ग्राम मावा मिलेगा। इस तरह 200 ग्राम शक्कर इसमें मिलाएंगे। 200 ग्राम अगर मावा डालते हैं उसमें 100 ग्राम शक्कर, आधी शक्कर डालते हैं। गाजर खुद ही इतनी मीठी होती है तो 100 ग्राम शक्कर काफ़ी होती है। इस तरह 200 ग्राम शक्कर इसमें ऐड करेंगे। अगर आप थोड़ा मीठा खाते हैं तो थोड़ी शक्कर और मिला सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा गीला होगा, पानी छोड़ेगा तो अब ये ढीला होगा। अब इसको चलाते रहेंगे और इसमें बबल्स रहेंगे जब तक चलाते रहेंगे। इसके बबल्स जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो इसको गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें शक्कर डालने के बाद अभी ये कितना कलरफुल अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में इसमें गाजर का कलर आ जाएगा। शक्कर डालने से इसमें कलर थोड़ा चेंज होगा और गाजर जैसी दिखती है वैसा हलवा दिखने लगेगा। जब तक इसमें बबल्स रहेंगे जैसा का दिख रहा है तब तक इसको आप धीमी आँच पर पकाते रहेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप एक बार लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि मैं और भी वीडियो बना सकूं। अब ये धीरे धीरे पकने लगा है और बबल्स भी थोड़े कम होते जा रहे हैं। इसमें हल्का जो गीलापन है वो अब कम होने लगा है। थोड़ी देर तक और इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। जैसे ही ये बबल्स ख़त्म हो जाएंगे तब ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा।
अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पर थोड़ी देर और पकाएंगे। अब ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। अब इसमें बबल्स भी नहीं आ रहे हैं और गाजर का हलवा तैयार है। लोहे की कढ़ाई है तो इस हमेशा लोहे की कढ़ाई में कुछ भी सामान बनाएं तो बनाने के तुरंत बाद इसको दूसरे बर्तन में निकाल लें। अब मैंने ये गाजर का हलवा तैयार हो गया है और दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब इसे ड्राई फ्रूट से आप डेकोरेट कर सकते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट किसकर भी मिक्स कर सकते हैं। धन्यवाद।